झारखंड औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और मैं हॉल नंबर एक के झारखंड स्टॉल पर मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड के फूड को, उनके कल्चर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर जो है वो यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है और एक एक स्टॉल बनाया गया है। देख सकते हैं कि झारखंड में जो खेती होती है, जो वहाँ की औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा दे, उसको लेकर यहाँ पे दिखाया गया है। एक स्टॉल पर आप देख सकते हैं कि वहाँ के मखाने जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार मखाने के जो की क्वालिटी क्या है, क्यों झारखंड के जो मखाने हैं वो फेमस है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है ग्राउंड नट ऑयल्स का भी स्टॉल लगाया गया है और तमाम उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है जिससे कि झारखंड के अंदर विकास की गति जो है वो और आगे बढ़े और उसके साथ साथ जो है झारखंड के जो मेन थीम है उसको तमाम उन लोगों के पूरे भारत में दिखाया जाए। क्या है ये, क्या मतलब स्टॉल की क्या है मकसद आपके यहाँ? यहाँ हम लोगों ने हर एक तरह का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। हमने गिर गाय हम लोग पालन कर रहे हैं और उन्हीं के गोबर गौमूत्र से जो भी हम लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और उसको पैकेजिंग करके और मार्केटिंग कर रहे हैं। पूरा ऑर्गेनिक है ये आइटम? ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। इस तरीके की तो और भी है और देख सकते हैं कि इस मौके पर जो है मंत्री जो है बन्ना गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं ताकि जो पूरा प्रोसेस है वो सही तरीके से हो, लोग यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से किया जाए। इसके साथ साथ देखिए एक स्टॉल पर और भी मैं मौजूद हूँ। क्या है ये आइटम्स, क्या है जनाब बताएं? ये हमारा होममेड पिकल है और ये KPPS हमारे कंपनी का नाम है, कुजूर प्लस प्रोडक्शन सॉल्यूशन। तो ये हम जो है सो हाथ से घर पे पिकल बनाते हैं और खासियत इसकी ये है कि ये हमारा सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है तो इसका सबका जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होता है वो काफ़ी होता है। जैसे वहाँ का झारखंड का फेमस है एक फुटकल, ठीक है, वो पेट के लिए। झारखंड में कहाँ से आते हैं? झारखंड में बेसिकली रांची से। रांची से बिल्कुल रांची से ही आते हैं और ऐसे स्टॉल जो है बहुत सारे जो है वो लगाए गए हैं। एक तरफ जो है ये जूस का स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये किस तरह का जूस है जो आप यहाँ पे। ये लीची हो गया सर, ये लीची बोल रही है, ये हो गया जीरा, जीरा ट्विस्ट हो गया, प्लेन जीरा हो गया, ये मसाला जीरा हो गया, ये हमारा फ्रूटी हो गया। ये आप इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है? हमारे प्रोडक्ट में खासियत यही है कि जैसे कि गैस वगैरह हो जाते हैं ना, तो उनके लिए अगर जीरा पियेंगे तो गैस रिलीफ कर देगा गैस से। अच्छा, इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। बाकी देख सकते हैं कि झारखंड के बिरसा मुंडा की एक बड़ी प्रतिमा जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। झारखंड को दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ की गई है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं झारखंड की, क्या प्रोडक्ट है ये जरा हमें बताइए जरा। रागी बेस्ड प्रोडक्ट है, फिंगर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट है और ये रागी लड्डू हो गए, मिक्सचर, भुजिया, निमकी, ठेकवा वो है। जितने भी ये प्रोडक्ट है सारी महिलाएं बनाते हैं, रूरल वुमेन बनाती हैं एंड हमारे साथ करीब 5000 महिला किसान जुड़ी हुई हैं करेंट डेट पे झारखंड में। किस तरीके से ये प्रोसेस करते हैं आप, किस तरीके से? जैसे सर हम लोग पहले रागी जो परचेस करते हैं वो किसानों से परचेस करते हैं, किसानों से परचेस करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट आती है, वहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस होने के बाद रागी फ्लोर बनती है, आफ्टर दैट बाय प्रोडक्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये प्रोडक्ट है और लगातार ये भारत मंडप पे जो लोग आ रहे हैं वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आखिरकार झारखंड के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हैं, जो वहाँ का खाना है, जो फूड है, वो कल्चर है, वो आखिरकार किस तरीके, और इसी को दिखाने की जो कोशिश है वो लगातार इस प्रदर्शन के अंदर की गई है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।